श्योपुर शहर के रामतलाई हनुमान मंदिर पर बुधवार गुरुवार के दरमियानी रात ठंड से ठिठुरने से विगत 15 वर्ष पूर्व बाबा बने कानपुर निवासी शिशुपाल की मौत हो गई, जहां शिशुपाल बाबा की मौत के बाद गुरुवार को सुबह पता चला कि हाथ लगने पर हाथ ठेला चालकों ने शव को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां शव की शिनाख्त नहीं होने के चलते पुलिस ने शिनाख्त को लेकर शव को जिला चिकित्सालय में रखवा दिया है। शव की शिनाख्त कानपुर निवासी शिशुपाल के नाम से होने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? दुर्गा शंकर। दुर्गा शंकर जी, ये जो रामतलाई हनुमान मंदिर पर जो शव मिला था, कौन है ये आपके? हमारे काका। आपके काका है, क्या नाम है इनका? शिशुपाल। शिशुपाल कब से है ये श्योपुर में? बहुत दिन हो गए, 10-15 साल। मतलब 10-15 साल से थे? महाराज जी बन गए। अच्छा, महाराज बन गए थे ये तो 10-15 साल से ये यहीं मंदिरों पे ही थे मतलब? हाँ, तो कल रात को उनकी अज्ञात ठंड से टूटर कर मौत हो गई, इसकी जानकारी आप लोगों को लग चुकी है? नया वर्जन है। क्या मामला भगत जी? एक अज्ञात लाश का मामला सामने आया है, ठंड के कारण जिसकी मौत हुई है। क्या मामला है, कौन व्यक्ति है, कुछ जानकारी ज्ञात हुई या नहीं हुई अभी तक? हाँ, जे अपने जिला सोपुर में रामतलाई हनुमान जी है, इस पर जे बाबा रहते थे, इनमें इस बाबा की मृत्यु हो गई है, इसको जिला अस्पताल लेकर के आए तो डॉक्टर ने यहाँ मृत्यु घोषित कर दिया है। पता लग रहा है कि कनापुर में किसी कुशवा या माली समाज में से है, उनके परिजनों के लिए खबर कर दी है, अगर परिजन आ जाते हैं तो डेड बॉडी उनको सुपुर्द कर दी जाएगी। क्या कारण थे मौत के, कुछ जानकारी हुई? अब कारण तो सर्दी है, जाडाम पर ठंड हो सकता है, ठंड के कारण मृत्यु हो गई हो। अच्छा, मतलब ठंड के कारण मृत्यु होना जाहिर हो रहा है कि ठंड के कारण मृत्यु हुई? हाँ, ऐसा बताया जा रहा है।